मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के कौसा गांव में और आपको बता दें कि मुमरा शहर में कई जगह पर गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में कौसा गांव में भी जो है गणपति उत्सव का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो बाल मित्र मंडल है यहाँ पर गणपति महाराज बिठाया गया है। इसी तरह से कौसा गांव में और भी कई जगह पर जो है इसी तरह के पंडाल लगे हुए जहाँ गणपति बिठाई गई है उनकी पूजा अर्चना जो है की जा रही है। और यहाँ पर जो पूर्व नगर सेविका थी अश्विन राउत वो भी बाल मित्र मंडल में पहुंची हुई है। खास तौर पर ये बताने का मकसद हमारा ये है कि मुमरा शहर में जिस तरह से हिंदू मुसलमान एक होकर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहार में वो शामिल भी होते हैं। अश्विन राउत आप क्या कहेंगे जिस तरह से आप यहाँ पर जो कौसा गाँव में पंडाल लगे हुए हैं गणेश जी की मूर्ति बैठाई गई है काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सबसे पहला तो हमारे हिंदू भाई बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमेशा प्रत्येक वेले त्यांनी मला आदर आणि सम्मान दिलेला आहे। हमेशा उन्होंने मुझे एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा है, इसलिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी हमारी अजान होती है तो मेरे पड़ोस में जो है चिंचोलकर का घर है, बुआ चिंचोलकर, गोपीनाथ चिंचोलकर जिनका नाम है, उनका घर है चिंचोलकर हाउस, तो वहाँ पे वो हमेशा जब भी अजान होती है उनकी आरती होती है तो वो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसलिए उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा एक दूसरे को लेकर चलते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, पंडाल के पंडाल जो बनाए हैं वो लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। आप लोग कौसा गांव में रहते हैं, कितना साल हो गया यहाँ पर रहते हुए? मेरे को हमको 36 साल हो गए मेरी शादी को। मैं कौसा में शादी करके आए, जब से हम लोग एक दूसरे को बहुत मतलब ये करते हैं। और ये जो नगर सेविका अश्विन राउत, इन्होंने 17 साल से सब महिला हिंदू रहे मुस्लिम रहे सबको एक साथ चल के काम किया। महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, बाल बच्चों के लिए काम किए, पार्टी बांटे, आंगनबाड़ी के लिए काम किए। और जो भी त्यौहार आता है मतलब रमजान रहने दो, रमजान की ईद रहने दो या कुछ भी, सब आजू बाजू के सब हमको त्यौहार लगाते हैं। दिवाली में हमारा त्यौहार उनको जाता है, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं हर मतलब हर त्यौहार में, एक दूसरे को मिलकर ही चलते हैं। इधर एकता है जैसा हिंदू मुस्लिम की। जिस तरह से एक माहौल बन गया है देश का, कई जगह पर ऐसी वीडियो सामने आई मुसलमानों को भगाने की बात की गई, कई जगह पर ऐसा बताया गया कि हिंदू भी जो है वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि उनको भी डर महसूस हो रहा है, लेकिन मुमरा शहर में जो है वो कहीं ना कहीं एकता कायम है। कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ डर नहीं लगा। हम इतने साल से सब एक मिलके सब चलते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर और किधर होता है तो वो गलत सोचे उनकी, वो गलत सोचते जो ऐसा फर्क करते हैं हिंदू मुस्लिम में। क्या नाम है आपका? दिनेश, दिनेश देव के। क्या बताएंगे, आप कौसा गांव में ही रहते हैं, जिस तरह से आज एक मुस्लिम पूर्व नगर सेविका है वो भी यहाँ पंडाल में आई और भी कई जगह पंडाल है वहाँ पर भी वो गई। देखो यहाँ पे सब शांति से होता है हर एक कार्यक्रम, हिंदू हो मुस्लिम, यहाँ पे हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, आदर सम्मान से हम लोग सब त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में मनाते हैं, होली हो, दिवाली हो या फिर ईद हो, रमज़ान हो, तो यहाँ पे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब भाईचारे के साथ ही रहते हैं। और कभी सब हम लोग कभी सोचते नहीं है क्या कोई अलग धर्म से है कोई है। हम लोग मान सम्मान देते हैं, वो भी हमें मान सम्मान देते हैं, तो ये फ़र्क जो है करने वाले गलत कर रहे ऐसा नहीं करना चाहिए। सब साथ में मिलके रहो और सब एक साथ रहो तो अच्छा रहे। मुमरा से कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जा रहा है, जिस तरह से मुसलमान जो है वो गणेश पंडाल में जा रहे हैं, दीपावली में भी लोगों को बधाइयाँ देते हैं, हिंदू समाज के लोग वो भी मुस्लिम के त्यौहार में शामिल होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी कि एक आदमी की सोच होती है, हम जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से हम रहते हैं और आदमी का रहन सहन उसकी सोच पे डिपेंड रहता है। जिस तरीके का आज हमारे देश में माहौल चल रहा है उस माहौल में मैं समझती हूँ कि मुमरा वासी जो है बहुत खुशनसीब है कि एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। और ख़ास करके हमारे कौसा गांव में जो है हिंदू समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, बुद्ध समाज के हो या फिर आदिवासी महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आदिवासी भी हमारे साथ में मिलजुल के हम उनके त्यौहारों में जाते हैं। लोगों को ये भी समझना होगा कि राजनीति जो होती है जिस तरह से नेताओं का बयान आता है, देखिए राजनीति में पढ़कर अपनी भाईचारा
खराब नहीं करना। नहीं नहीं, नेताओं के बारे में अच्छा सवाल किया आपने, मैंने कुछ देर पहले एक बाइट दे चुकी हूँ, तो मैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि पीएम मोदी जी को समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी में जो सांसद चुने हैं वो किस तरीके के चुने हैं। क्योंकि जब हम स्कूल में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि स्कूल में हमको एक पहले ही प्रेयर पढ़ाई जाती है कि भारत मेरी माता है, हम सब यहाँ, हम जो भाई बहने हैं सभी एक साथ एक धर्म के एक समान हैं, हमको ये चीज़ सिखाई जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सांसद जब वो चुन के देते हैं या फिर एक सांसद को वो टिकट देते हैं तो वो एक किस बेस पे देते हैं कि जिनकी सोच इतनी घटिया है और वो इतनी घटिया सोच रखते हैं। तो आपने सुना कि ये मुंब्रा शहर है, कहीं ना कहीं मुंब्रा शहर एक शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आपके सामने ही तस्वीरें हैं कि गणपति पंडाल में देखेंगे मुस्लिम भी आते हैं और हिंदू समुदाय के लोग तो यहाँ पूजा आरती वो करते ही करते हैं, लेकिन एक भाईचारा मुंब्रा शहर में कायम है, हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर त्यौहार मनाते हैं।